देखिए हमने देखना है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और दोनों ही प्लांट्स के अंदर देखेंगे लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। आपको पता है कि जो रॉबर्ट वेटेकर की क्लासिफिकेशन थी तो उसमें मल्टी सेलुलर जो एलजी थी उसको भी प्लांट्स के ग्रुप में रखा गया था। फिर मॉर्गुलस और शिवार्ट्स ने उसको मल्टी सेलुलर एलजी को किंगडम प्रोटोकिस्टा में रख दिया था। लेकिन अभी जब हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम दोनों में ही देखेंगे, एलजी के अंदर भी और हायर प्लांट्स के अंदर भी, दोनों में कौन कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर हायर प्लांट्स की बात करूं तो हायर प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फोर टाइप मैंने यहाँ पर लिखनी है, और वो है हेटेरोगैमी। ये वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में होती है। बाकी तो ये तीनों टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है ये हायर प्लांट्स में नहीं होती ज्यादा। ये किस में होती है? ये एलजी में होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी और इसके हेट्रोगेमी। अब चलिए इनमें फर्क देख लेते हैं क्या होता है। तो आइसोगेमी इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी है? वो है आइसोगेमी। जैसे अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो वो है बाइनरी फिशन। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है आइसोगेमी। अच्छा, इसमें होता क्या है? ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब देखें ये गैमेट है, अब इसमें गैमेट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। आइसो का मतलब सेम, गैमो का मतलब यूनियन। अभी तक देखो ये दो गैमेट हैं, एक गैमेट ये हो गया, दूसरा गैमेट ये। अब आप देखें तो इनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, शक्लें बिल्कुल इनकी क्या है, इनकी शेप एक जैसी है, साइज भी इनका एक जैसा है, तो इसका मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है और फिजियोलॉजी भी इनकी सेम है। क्यों फिजियोलॉजी सेम है? ये भी मोटाइल है और ये भी मोटाइल है, ये दोनों मिले और मिलकर बन गया जाइगोट। अब ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेम गैमेट फ्यूज होते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमी। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा अल्वा प्लांट जो है उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसी होती है? आइसोगैमी टाइप की होती है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी क्या है? अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब यहां पर क्या बात हो रही है कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। देखो ये एक गैमेट है और ये दूसरा गैमेट है। अगर आप इनकी मॉर्फ साइज में फर्क है लेकिन मॉर्फोलॉजी दोनों की देखो तो सेम ही है, शेप दोनों की और दोनों के पार्ट जो है वो सेम है, तो मॉर्फोलॉजिकली क्या है? ये सिमिलर है। लेकिन बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। क्या ये क्योंकि स्मॉल साइज का है तो ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा, ये इतना मूव नहीं करेगा, यानी फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इनमें, इसकी मूवमेंट फास्ट होगी इसकी नहीं होगी। तो मॉर्फोलॉजिकली तो दोनों सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली मतलब काम के लिहाज से दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसकी मूवमेंट फास्ट स्लो होगी, इसकी क्योंकि लार्जर है साइज और इसकी मूवमेंट फास्ट होगी। तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकल डिफरेंट गैमेट जब फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं, ये दोनों फ्यूज होकर जब जाइगोट बनेंगे तो दिस इज एन आइसोगैमी। अब ओगैमी देखते हैं, ओगैमी जो है वो इसमें क्या होता है? ये तो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब देखो ये दो गैमेट है, एक गैमेट ये है और दूसरा गैमेट ये है। इसको मैं कह रहा हूं मेल गैमेट और इसको मैं कह रहा हूं फीमेल गैमेट। अब देखें दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, इसमें फ्लेजिला है या सीलिया है, इसमें फ्लेजिला नहीं है, इसमें फ्लेजिला है, इसमें फ्लेजिला नहीं है, इसका साइज लार्ज होगा, इसका साइज स्मॉल होगा, ये मूव, तो ये मॉर्फोलॉजी दोनों की डिफरेंट है। और इसके अलावा इनकी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट है, ये मूव कर सकता है और ये मूव नहीं कर सकता। तो जब मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट डिसिमिलर गैमेट फ्यूज होते हैं
क्या बनाने के लिए, जायगोट बनाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ऊगैमी। इसको हम क्या कहेंगे, ऊगैमी। अच्छा, इसके बाद हेटीरोगैमी। अब देखो ऊगैमी और हेटरोगैमी में थोड़ा कम डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है सिर्फ ऊगैमी और हेटरोगैमी में, देखो ऊगैमी हेटरोगैमी में भी मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमिट होते हैं। हेट्रोगैमी में भी मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमिट होते हैं, और यहाँ पर भी जो मेल गैमिट है हम उसको स्पर्म कह रहे हैं और फीमेल गैमिट जो है उसको हम एग कह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें एग जो होता है जो फीमेल गैमिट होता है उसमें एग के अंदर फूड मौजूद होता है। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अ वेरी सक्सेसफुल बोर्ड ऑफ रिप्रोडक्शन इवॉल्व इन ब्रायोफाइट इन विच देयर इज अ स्मॉल फ्लेजिलेटेड मोटाइल मेल गैमिट। यानी एक स्मॉल फ्लेजिलेटेड क्या है, मोटाइल मेल गैमिट है जिसको आप स्पर्म कह रहे हो। ये सबसे पहले हेट्रोगैमी कौन से वाले प्लांट में इवोल्व हुआ था, ब्रायोफाइट में, और उसके बाद जितने भी हायर प्लांट्स हैं तमाम के अंदर हेट्रोगैमी ही होता है। इसमें एक मोटाइल फ्लेजिलेटेड मेल गैमिट होता है और ये फ्यूज होता है विद लार्ज नॉन मोटाइल फूड फिल्ड फीमेल गैमिट। यानी जो फीमेल गैमिट होता है, यानी एग, वो किससे फिल्ड होता है, फूड से, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स के एलजी में एम्ब्रियो नहीं बनता। प्लांट्स के अंदर क्या बनता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जायगोट बनता है। जायगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो को फूड की जरूरत होती है जब तक वो उसमें होता है पेरेंटल बॉडी में। तो उस फूड को कौन प्रोवाइड करता है, ये जो एग के अंदर फूड होता है। मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ऊगैमी और हेट्रोगैमी में क्या फर्क है। एक ही फर्क है कि इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल गैमिट में फूड स्टोर होता है, और उसमें जो ओगैमी है उसमें फीमेल गैमिट में फूड स्टोर नहीं होता।